हम खड़े रामलीला ग्राउंड सितारगंज के अंदर, और यहाँ पर क्या है कि रामलीला मंचन बड़ी ही खूबसूरती के साथ किया जा रहा है। जो कलाकार वृंदावन और मथुरा से हैं, तो उन कलाकारों के द्वारा बहुत ही बढ़िया तरीके से रामलीला मंचन किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ उपस्थित है पवन कुमार जी, और इनसे हम जानकारी लेते हैं कि आज रामलीला मंचन पर कलाकारों के द्वारा क्या क्या लीलाएँ दिखाई जाएंगी। तो पवन जी, आपका स्वागत है पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल के अंदर। जानकारी थोड़ा आपसे चाहिए कि आज जो कलाकारों के द्वारा लीला दिखाई जाएगी, तो किन किन दृश्यों को आज दर्शाया जाएगा कलाकार? आज सीता हरण नाग कान छेदन हरदूषण बद, इस तरह के काफी मुख्य सीन दिखाए जाएंगे। मारीच बद और जटायु बद, और रावण जो है आज सीता जी को हरण करके अशोक वाटिका में ले जाएंगे, और लंका में वो ले जा नहीं सकते क्योंकि कुबेर की पत्नी द्वारा उन्हें श्राप दिया गया था कि अगर वो लंका में ले जाएंगे तो उनके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। वेरी गुड। और हमारे बीच में यहाँ भाई साहब उपस्थित है, थोड़ा इनसे भी जानकारी ले सकें कि आज उत्तराखंड की पावन भूमि पर इतने खूबसूरती के साथ मथुरा और वृंदावन के कलाकारों द्वारा रामलीला मंचन किया जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? रामलीला मंचन बहुत ही अच्छा हो रहा है, और हमारे धूमधाम से चौपाइयाँ कह करके और बहुत अच्छी तरीके से रामलीला का मंचन कर रहे हैं, और पब्लिक को काफ़ी समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा रामलीला हो रहा है। वेरी गुड। भाई साहब का कहना है कि बहुत बढ़िया तरीके से कलाकारों के द्वारा रामलीला मंचन किया जा रहा है, मथुरा और वृंदावन के कलाकार यहाँ पर आए हैं जो कि बहुत खूबसूरती के साथ रामलीला यहाँ दिखा रहे हैं, और सितारगंज की समस्त जनता रामलीला के वक्त यहाँ उपस्थित होती है। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल से अश्विनी दीक्षित की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। आज सीते मैं वही लंका पत्र रावण हूँ। लक्ष्मण राम चौकड़ी पर दो राजकुमार आए हैं, एक इसका जो साहस